सुनो काला कद्दू और गोरा कद्दू, टीटी आएगा तो उसको ये मत बोलना कि हम लोग 13 साल के और 12 साल के है। काला कद्दू तुम बताना हम 4 साल के है, और गोरा कद्दू तुम बोलना हम 3 साल के है, ठीक है? काहे कि हम तुम लोग का टिकट नहीं लिए है, अपना ही टिकट लिए है। अरे पापा वो तो कोई गधा भी देख के बता देगा हम लोग 3 साल के नहीं और ना ये काला कद्दू 4 साल का है, क्या बकवास कर रहे हैं आप, मार खिलवाइएगा हम लोग को। अरे चुप रहो तुम, हमारा कहने से नहीं मान लेगा, तुम जानते हो हमसे ज्यादा, हम रोज सफर करते हैं ट्रेन में, हमको पता है कैसे पूर्वक बनाया जाता है टीटी को, जितना बोलते हो उतना करो, समझे? अरे पापा आप क्या बकवास कर रहे हो, हम लोग आईडी प्रूफ मांग लिया तो। अरे कह देंगे, 3 साल का बच्चा आईडी प्रूफ नहीं बना अभी, तुमको जितना बोलते हो उतना करो ना जी, अब मुंह बंद करके रखो समझे। और सुनो तुम ये वाला बीच वाला सीट पे सो जाओ आराम से। अरे ये किसकी और का होगा, काम को उठाएगा फिर मारेगा पकड़ के, बोलेगा हमारा सीट पे कैसे हो गया है। अरे कोई नहीं मारेगा, ज्यादा से ज्यादा तुमको उठाएगा ना, तुम सोए रहना, हम जब बोलेंगे उठने के लिए तब उठना, नहीं बोलेंगे तो सोते रहना, समझे? और पापा हमको कहाँ सोना है, हमको भी बताइए। अरे तुमको नहीं सोना है, तुम जागोगे समझे, सोने नहीं आए हो, एक तो बिना टिकट का ट्रेन में सफर करवा रहे हैं, ऊपर से फुटानी चला हुआ है, सोना है हमको बाबू साहब को। अरे तो गोरा कद्दू को कैसे सुला रहे हैं, हमको कहीं नहीं सुला रहे हैं। तुम मुंह बंद करके रखो समझे, तुम्हारे चक्कर में पोल खुल जाएगा, शांति से बैठो। हाँ ये वाला बर्थ हमारा है, ये कौन सोया हुआ है, रे बाबू उठो हमारा बर्थ है, उठो उठो। रे बाबू तुम सही बात कर रहे हो, उठता कि नहीं उठता है, उठो जल्दी हमारा बर्थ है, हटे यहाँ से। अरे अब क्या करना है, हमको समझ में नहीं आ रहा, पापा बोले थे जब बोलेंगे उठने तब उठना, ये तो बोल ही नहीं रहे, ये तो पता नहीं कौन आया बोल रहा उठो उठो, मारेगा हमको पकड़ के, नहीं उठेंगे हम तो, अब क्या करें हम। रे बाबू उठता कि नहीं उठता रे, हटे यहाँ से। क्या हुआ भाई साहब, क्या हुआ? अरे हमारा बर्थ है, हमारा बर्थ पे सूत गया है, हटके नहीं रहा है, बोले उठो तो जवाब ही नहीं दे रहा है, कुंभकर्ण की तरह सो गया है। अरे यही हाल है रेलवे का, यही हाल है भैया, बिना टिकट का ट्रेन में चल जाता आदमी, सब टीटीटी देखता देखता है नहीं, दूसरे का बर्थ पे सो जाता है लाट साहब बन के। देखिए ये बच्चा के लाट साहब ही कर रहा है तो बड़ा क्या करेगा, गुंडागर्दी हो गया, गुंडागर्दी रेलवे में। ऐसे ही हमारा बर्थ पे भी पीछे एक लड़का सो गया है, हम बोले उठो उठो जवाब नहीं दे रहा था, ऐसे ही लास्ट में हम पकड़ के उसको हिलाए तो हमको बोलता है हमारा 10 आदमी ट्रेन से उठा के फेंक देंगे, तो हम देखिए यहाँ पे ऐसे ही आके बैठे हुए हैं, अब क्या कर सकते बताइए। अरे ऐसे कैसे फेंक देंगे, हम टकला नेता है, मार के देह नहीं तोड़ देंगे। रे बाबू रे उठो ऐसे उठो, अरे हमारा बर्थ है। ये क्या करा रे, उठने बोल रहा है तो हवा छोड़ा, हट यहाँ से घटिया लड़का। अरे पापा उठने ही नहीं बोल रहे तो मुठे कैसे, सारा प्रेशर अपना पेट में बन रहा है, हम क्या करें। रे बाबू तुम नींद में है कि जानबूझ के नहीं सुन रहा है, उठता कि नहीं उठता है। क्या हुआ चाचा, क्या हुआ, क्यों उठा रहे हमको? अरे हमारा बर्थ है, हटे यहाँ से। आपका बर्थ है, अच्छा अच्छा ठीक है। अरे क्या ठीक है, फिर सो गया, हमारा बर्थ है, हटता कि नहीं हटता ऐसे। ए भैया सोने दीजिए, बच्चा है, नींद आ गया है, सोने दीजिए, थोड़ा देर बाद सो लीजिएगा। अरे काहे जी काहे थोड़ा देर बाद सोएंगे, हम पैसा दिया बर्थ का, हम सोतेंगे काहे सोने देंगे इसको। अरे छोटा बच्चा है, नींद आ गया है, थोड़ा देर सोने दीजिए, थोड़ा देर रुक के नहीं सो सकते आप, हमको देखिए हमारा सीट पे भी एक तो लड़का सोया हुआ है इसके एज का, हम भी तो यहाँ शांति से बैठे हैं। अरे तुम साला डरपोक है तो हम भी डरपोक है, हाँ मुंह बंद करके रखो अपना। अरे लड़का हट्टा कि नहीं तो देह तोड़ देंगे तुम्हारा, हम पकड़ के। चाचा क्या हुआ, काहे इतना चिल्ला रहे हैं, मेरा तबीयत खराब है चाचा, हमको 3 बार उल्टी हो चुका है जब से ट्रेन में चढ़े हैं, मेरा पेट भी खराब है चाचा, चक्कर सा लग रहा था हमको। अरे चक्कर सा लग रहा था तो रिजर्वेशन करके कहीं नहीं आते हो ट्रेन में, कहीं नहीं टिकट लेके आते हो, दूसरे का सीट पे बैठ जाते हो। चाचा टिकट कटवाए थे लेकिन वेटिंग में चल रहा है, एक टिकट है, हमारी मम्मी नीचे सोई हुई है, उनके साथ आप सो जाइए, एडजस्ट कर लीजिए। अरे साला ये लड़का बोल रहा है हमारी मम्मी के साथ सो जाए नीचे, ऐसे आइडिया बुरा भी नहीं है, अकेले सुतने में क्या मजा, और इसका मम्मी भी बुरा नहीं है देखने में। ठीक है चलो तुम इतना रिक्वेस्ट कर रहे हो तो सो जाते हैं। रे कुत्ता रे तुमको शर्म नहीं आता है, औरत के बगल में सोएगा तुम, कुत्ता तुम्हारा बाप होगा समझा, अपना मुंह बंद करके रखो, तुमका क्या परेशानी है, उसका बेटा बोल रहा है हमको सोने के लिए, जब उसका माँ को प्रॉब्लम नहीं है, उसका बेटा को प्रॉब्लम नहीं है, हमारा बर्थ पे वो सोया तुम कहाँ सोएंगे। अरे परेशानी नहीं होगा, तुम पराई औरत के साथ सोगे हाँ, और हम लोग मुंह देखेंगे तुम्हारा, मार के देह तोड़ देंगे तुम्हारा। अरे तो तुम भी बगल में सो जाना, हम मना थोड़ी ना किए, उसका बेटा ही बोल रहा है ना, हमारा बर्थ नहीं खाली कर रहा था, हम क्या करें, तुम बेसी मत बोलो। हाँ हाँ सो सो एक बार सो, सोने के बाद ना दूसरे के साथ सोने के लायक भी नहीं बचेगा तुम। अरे क्या कर लेगा रे तुम, देखते तुम क्या करता है, अब तो साला हम सोएंगे, देखते तुम क्या करता है। हाँ भैया टिकट दिखाइए। हाँ ये देखिए सर, ये बच्चा आपके साथ है? हाँ सर हमारे साथ है। तो इसका टिकट दिखाइए। अरे सर ये 4 साल का है, अभी इसका टिकट कैसे लगेगा, ये 4 साल का लड़का पागल समझते हो हमको हाँ?
अरे बाबू तुम 4 साल के हो? नहीं सर, हम तो 3 साल का है। अरे ये साला बकवास किया पागल काला का लूटा कहीं का, बोले थे 4 साल बोलना। अरे तुम्हारा पापा तो बोल रहा था तुम 4 साल का है, तुम बोल रहा है 3 साल का, तुम 3 साल का है? अरे हाँ सर, हम 3 साल के। अरे झूठ बोलता है तुम, आईडी कार्ड दिखाओ, 3 साल का है। पगले समझ के रखा तुम लोग हमको? 3 साल का बच्चा इतना बड़ा होता है, इतना बढ़िया से बात करता है। ऐसे सर आपका बात भी ठीक है, आपका बात गलत नहीं है, लेकिन हम आपको अपना स्टोरी बताते हैं। देखिए हम अपना माई का पेट में 7 साल रहे, उसके बाद जब निकले हैं तो अभी हमको 3 ही साल हुआ है। ऐसे कैलकुलेट किया जाए तो 10 साल का है, लेकिन पेट से निकलने के बाद से ना बर्थ डेट माना जाता है, तो उस हिसाब से हम 3 साल का है सर। अरे क्या बकवास कर रहे तुम हा? दोनों बाप बेटा उल्लू बना रहे हमको। देखिए सर हम आपको उल्लू नहीं बना रहे, हम जो सच है वही बता रहे हैं। हो सकता है पापा आपको उल्लू गधा जो भी हो सकता है बना रहे हो। अरे तुम चुप रहो, बकवास कर रहा है। अरे आप चुप रहिए, बेवकूफ बना रहे हमको हा? बेटा को उल्टा सीधा सिखा के लाया है, 3 साल का है बेटा आपका, कोई गधा भी नहीं मानेगा ये 3 साल का है। अरे तो गधा को थोड़ी ना मनवाना है, आपको मनवाना है ना ये बात, काहे कि लेके तो आप ना ट्रेन पे जाइएगा, गधा थोड़ी ना लेके जाएगा। अरे चुप रहिए। अरे ये किसके साथ है बच्चा जो सोया हुआ है? अरे वो हम लोग से क्या पूछते, उससे पूछिए। अरे पापा तो हमको फंसा दिए, बोले तुम 3 साल का है सो जाओ, जब तक उठने नहीं बोलेंगे उठना नहीं। वो आदमी आया तो हमको उससे भिड़ा दिए, टीटी आया तो बोलते उससे पूछिए, हम लोग का क्या मतलब है, हम क्या जवाब दे? रे बाबू रे टिकट दिखाओ, रे बहरा टिकट दिखाओ, उठता कि नहीं उठता है, टिकट दिखाओ। क्या हुआ सर, क्यों उठा रहे हैं? टिकट दिखाओ सर। हमारा टिकट कैसे लग सकता है ट्रेन में? काहे तुम्हारा टिकट काहे नहीं लगेगा? अरे जब वो 4 साल का बच्चा का टिकट नहीं लगता है ट्रेन में तो हमारा कैसे लगेगा? हमारा तो अभी अभी जन्म हुआ है, डिलीवरी दे के गई है माँ, हमको तो अभी नहीं पता हमारी माँ कौन है, आएगी तो पूछेंगे। अरे साला तुम्हारा माई तुमको कपड़ा पहना के पैदा किया था क्या, और पढ़ा लिखा के पैदा किया था, जो तुम बोलना भी जानते हो, लॉ भी जानते हो, कानून पढ़ा रहे हमको? साला तुम लोग को झूठ भी नहीं बोलने आता है, उल्टा सीधा बात करता है, बेवकूफ समझ रहा है क्या हमको? टिकट दिखाता है कि नहीं कि पुलिस को बुला के अंदर करे? कहाँ है तुम्हारा माँ बाप? अरे टीटी साहब हम तो अभी अभी पैदा हुए, जैसा कि हम आपको बताएं हमको झूठ सच नहीं पता है, लेकिन हम टीवी में देखे थे एक बार कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके बगल में उसकी माँ लेटी हुई होती है, तो जो बगल वाले सीट पे औरत लेटी हुई है वो मेरी मम्मी होगी, और जो बगल में अंकल है वो मेरे पापा ही होंगे ना। अरे तुम तो बोला ना हम अभी पैदा हुए, तो तुम टीवी कैसे देखा? अरे टीटी साहब आपको इतना भी नहीं पता, कहते हैं ना जब माँ कुछ खाती है तो वो बच्चे को लगता है, जब वो टीवी देखती है तो बच्चा भी टीवी देखता है, इतना तो पता होगा आपको। पापा मम्मी को उठाइए पूछिए, अभी सोने दीजिए, तबीयत खराब है मेरा, पेट खराब है, उल्टी हो रहा है, दवाई है नहीं, आप आके परेशान अलग कर रहे हैं, तमाशा खड़ा करके रखे है तमाशा। अरे तमाशा तो हराम खोर तुमने खड़ा करके रखा है, परेशान कर दिया हमको। ए भाई टिकट दिखाओ अपना, बच्चा का अपना दिखाओ। क्या हुआ टीटी साहब? अरे मेरे बगल में ये कौन सोया हुआ है? ए हटो यहां से। अरे आपका हस्बैंड है, टिकट दिखाइए अपना हस्बैंड का, अपना और अपना बच्चा का। ए टकला तुम हमरा मार दे, चाहे जो तो मारेंगे ना खोपड़ी फोड़ देंगे, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ हमारे बगल में सोने का? अरे क्या बात कर रही है तुम, हम तुम्हारा मर्द नहीं है। अरे इधर देखो इधर देखो, बाद में झगड़ा करना अपना मियां बीवी में, अपना बच्चा का टिकट दिखाओ, अपना टिकट दिखाओ, अपनी पत्नी का टिकट दिखाओ। अरे वो हमारा बच्चा नहीं है, इसका बच्चा है, इससे बात करो, हमसे हमारा टिकट लो। अरे तो तुम इसके साथ कहां सोया था? अरे उसका बेटा बोला था जाके हमारा मम्मी के साथ सो। ए पीटी साहब वो हमारा बेटा नहीं है, और इस टकले लफंगे को पुलिस को बुला के अंदर कराइए। इसने हम ट्रेन में हमारे बगल में आके सो गया है। अरे टीटी साहब इतना हल्ला हो रहा है, एक तो बच्चा का तबीयत खराब है, अभी अभी जन्म हुआ है, आप इतना हल्ला क्या कर रहे हैं? भेजिए जिसको जेल भेजना है टकला अकला लोग को, हमको सोने दीजिए। हाँ टीटी साहब भेजिए इस टकला को, हम भी देखे थे ये जाके सो गया था सौरभ के साथ, हम मना किए तो हमको बोलता है देख लेंगे हमको कौन क्या कर लेता, हम सोएंगे। रे बेटा रे अपना मुंह बंद रखो तुम, समझा तुम्हारे सामने ये लड़का बोला था मेरी मम्मी के साथ सो। अरे टकला तुम कौन छोड़ेंगे नहीं, एक तो बिना टिकट का ट्रेन में चढ़ता है, ऊपर से 6 साल करता औरत लोग के साथ तुम, हाँ असली हरकत करता है ट्रेन में, पकड़ के अंदर करवाएंगे तुम्हारा देह तोड़वाएंगे हम। अरे हम क्या असली हरकत किए, हमारे पास टिकट है, हम आए इस बच्चा को बोले हमारा सीट से हटो, ये हट नहीं रहा था, जवाब नहीं दे रहा था, बाद में बोलता है मम्मी के साथ सो जाइए, हमारी मम्मी है, हमारा पेट दर्द है, हमको उल्टी हो रहा है, पता नहीं क्या बोलने लग गया, तो हम भी सोचे बोल रहा है मेरी मम्मी के साथ सो जाओ तो कोई परेशानी नहीं होगा इसकी मम्मी को भी, तो हम सो गए। ये देखिए हमारा टिकट, उस बच्चा से पूछिए ना कहा है कि सूट गया हमारा सीट पे। ए काला कद्दू सुनो, लगता है यहाँ पे झमेला होने वाला है, चलो यहाँ से चलो, नहीं तो मार खाएंगे हम लोग भी। ए बाबू रे उठो यहाँ से उठो,
क्या कर रहा है तुम ट्रेन में आके? जब पूछ रहे थे तुमसे तुम कौन है तो बोलता हम अभी अभी पैदा हुए है, बुर्बक बना रहा है, लड़ाई लगवा रहा है समय तुम। अरे अब तुम फंस गए, अब तो पुलिस ने आएगा, पापा के चक्कर में हमको मार पड़ेगा, हम पापा को फंसाएंगे। अरे टीटी साहब हमारा कोई गलती नहीं है, वो हमारे पापा है, वो हमको यहाँ पे बोले सो जाना, हम जब तक उठने नहीं बोलेंगे उठना नहीं, और वो हमको ये सब बोले थे करने के लिए। और हमारा उम्र 12 साल है और उस लड़का का भी 12 साल है, 4 साल नहीं है उसका उम्र, हम दोनों भाई है और वो हम लोग के पापा है। अरे तुम झूठा एक नंबर का, पहले बोल रहे थे ये दोनों मेरा मम्मी पापा है, हम अभी अभी पैदा हुए हैं, अब तुम दूसरे को बोल रहे हो मेरा मम्मी पापा वो है, पापा वो है, भाई है वो, क्या बोल रहे हो तुम? वो लोग है भी नहीं, चला गया, तुमको साले छोड़ेंगे नहीं हम, और तुमको भी टकला नहीं छोड़ेंगे, छेड़छाड़ करता औरत के साथ।